नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। झारखंड बॉर्डर पर झारखंड व बिहार के भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री का जनता ने किया भव्य स्वागत। थाने से चंद कदम दूर सांची रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के झारखंड बॉर्डर पर आज दोपहर की पूर्व भारतीय जनता पार्टी के झारखंड व बिहार राज्य के संगठन मंत्री नागेंद्र प्रसाद जी का फूलमाला व जोरदार नारों के साथ स्वागत झारखंड राज्य के भवनाथपुर विधानसभा से आए लोगों ने किया। आज पूर्वाहन उत्तर प्रदेश की ओर से झारखंड की ओर जा रहे झारखंड और बिहार के संगठन मंत्री नागेंद्र प्रसाद जी का झारखंड राज्य के भवनाथपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं व भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ स्वागत किया। स्वागत के पश्चात संगठन मंत्री ने मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीते विधानसभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में भाजपा अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तथा भाजपा का संकल्प सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम कर रही है, उसी तर्ज पर हम सभी झारखंड राज्य के वासियों को एकजुट होकर रहना होगा तथा भविष्य में होने वाले चुनाव में भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर झारखंड राज्य का विकास कराना ही हम लोगों का संकल्प है। हम झारखंड वासियों को भवनाथपुर विधानसभा के विधायक भानु प्रताप शाही के नेतृत्व में हम लोगों को बीते दिनों हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोनभद्र का चुनाव प्रभारी बनाया गया था, जिस पद का हम लोगों ने पूरे ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करते हुए सोनभद्र के चारों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया है और ग्रामीण स्तर तक होने वाले विकास कार्यों को कराया जा रहा है। अब हम सभी झारखंड वासियों को भी एकजुट होना होगा ताकि फिर से झारखंड में भारतीय जनता की सरकार बने और विकास की गंगा बहाई जाए। इस मौके पर जोरदार नारा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। इस दौरान ओम प्रकाश केसरी, अमित सिंह, आशुतोष पांडे, आनंद कमलापुरी, राहुल जायसवाल, मनोज अशोक सेठ, विधायक प्रतिनिधि भवनाथपुर, सुरेंद्र अग्रहरि, नंदलाल गुप्ता सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ।